क्या कर रहे हो? छोड़ो, चकोर समझती क्या हो तुम हमें? बुद्धू समझती हो? लेकिन जितना बुद्धू तुम समझती हो ना, उतने बुद्धू है नहीं हम। इतने भी बुद्धू नहीं है कि तुम हमारा खिलौना बनाकर हमारे साथ खेलती रहो। जब चाह मन किया तब अपना लिया, जब मन किया छोड़ दिया। देखो, तुम्हें हमें छोड़ के जाना है ना, तो जाओ, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन हमारे बाप पे इल्जाम लगा के मत जाओ। तुम हमारे बाप को जितना बुरा समझती हो ना, उतने ही अच्छे हैं वो। और एक बात सुन लो, अगर तुम दोनों में से हमें किसी एक को चुनना होगा ना, तो हम अपने बाप को चुनेंगे। हमें जन्म दिया है उन्होंने, हमारे जन्मदाता हैं। बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुछ दिया है हमें। तुमने क्या दिया है? दर्द दिया है बस। जा रहे हम। हाँ तो जाओ ना, और यहाँ वापस मत आना। अपने बाप के पास ही रहो और अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ जा रहे। जाओ। मालिक का वार कभी खाली नहीं जाता। चलो मालिक को चलकर बता दो, शायद कुछ और माल मिल जाए। ए विवान, फोन उठाओ। पता नहीं ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। मैसेज करते हैं। सूरज, सूरज विमान कल रात से घर वापस नहीं आए। हम फोन करे, फोन नहीं लग रहा, उठा भी नहीं रहा। आपका पता है ना कहाँ है विमान? हमका ऐसा काहे लागत है कि जैसे आप हमसे कट्टर छुपा रहे हो सूरज। अरे हम क्यों छुपाएंगे कुछ भी? विमान लखनऊ गया है किसी बिजनेस के काम से। बिजनेस के काम से लखनऊ? और इतनी अचानक? हाँ कुछ अर्जेंट काम था उसको, इसलिए जल्दी जल्दी में निकल गया। उसने हमसे कहा था कि हम तुम्हें बता दें, हमारे दिमाग से निकल गया। अरे सूरज वो, अरे वो आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हमें भी बहुत जरूरी काम है, हम जा रहे हैं। विपान कहाँ हो तुम? बस किसी खतरे में ना पड़ गए। तुम्हारी बातों से ऐसा लागत है कि जैसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सूरज। कोई बहुत बड़ी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो, और अगर छुपा भी रहे तो काहे? सुन 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 सुन, पहले बच्चों पर कड़ी निगरानी रखना। हाँ, कोई बच्चों के आसपास ना जाने पाए। अगर कोई जाने की कोशिश भी करता है तो सीधे गोली मार देना। बहुत कीमती है हमारे लिए ये बच्चे। सूरज, सूरज देखो, विवान अभी तक घर वापस नहीं आए। बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए। सूरज हमका सच सच बता दो, इससे पहले कि हम खुद ही विवान को ढूंढने के लिए हवेली के बाहर चले जाए, आप हमका सच बता दो कि विवान कहाँ पर है। इमली तुम बेकार में शक कर रही हो। हमने तुमसे कहा था ना कि विवान मीटिंग में गया है, तो बिजी होगा इसलिए बात। झूठ बोलना बंद करो। आपको मेरे बचपन की सौगंध है सूरज, बोलो हमका विवान कहाँ पर है। वो दिल्ली गया बच्चों को बचाने के लिए। सूरज, सूरज अपना विमान बच्चों को बचाने के लिए दिल्ली अकेला गया। सूरज अपने विमान को अकेले कैसे जाने दिया, जबकि हम जानते कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है। बहुत खतरे का काम है वहां पर, फिर कैसे जाने दिया? मतलब तुम्हें भी मालूम है बच्चों के बारे में? घोषणा? कैसी कैसी घोषणा करने जा रहे हैं वो? अरे हम खुद नहीं जानते कमल जी, उसने सारे बस्ती वालों को बुलाया है और कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है, और सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, और विशेष तौर पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।
चकोर क्यों? क्यों हमें पागल बनाती जा रही हो तुम? कभी हाँ कभी ना, तुम इतना पत्थर दिल कैसे बन सकती हो चकोर? लगता है सूरज ने निश्चय कर लिया है कि वो खुद ही चकोर से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। ये मंजर तो देखने लायक है। चलिए बुलाया है। चलिए चलिए चलिए। वासियों, कौन है ये कमल नारायण राजवंशी? वैसे ये कौन है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। और इन्होंने जो जो कारनामे किए वो भी आप सबको पता है। इन्होंने सिर्फ आजादगंज के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए। और हमें इस चीज का एहसास है कि हमारे पिता का नाम इतिहास में लिखा जाए। दुनिया का हर बच्चा यही चाहता है कि उसका बाप उसे दुनिया की सारी खुशियां दे, और हर अच्छा बाप भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया लाकर अपने बच्चों के कदमों में रख दे। आप लोग भी तो यही चाहते थे ना, इसीलिए तो आपने अपने बच्चों को अपने आप से इतना दूर दिल्ली भेजा इनके कहने पे, ताकि उनका भविष्य बने, वो आपके और अपने सपने दोनों पूरे करें। दिल पे पत्थर रख के आपने भेज दिए। लेकिन आप लोगों को पता है हमारे पिताजी ने क्या किया? सूरज, इसकी क्या जरूरत है? आप अरे जरूरत कैसे नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। आप खास हैं, सबसे अलग हैं आप दुनिया में। आप अकेले एक ऐसे बाप हैं जिसने अपने बेटे की खुशियां, उसका प्यार उससे छीना, जिसके एक पल्ले में चकोर की खुशियां थी, उसकी जिंदगी थी, उसका प्यार था, और दूसरे पल्ले में आपके बच्चों की खुशियां, उनका भविष्य। और चकोर को तो आप सब जानते हैं, वो आजादगंज से आप सब से उन बच्चों से कितना प्यार करती, इसलिए उसने वो पल्ला चुना जिसमें आप लोगों के बच्चों का भविष्य था। इसलिए चकोर ने अपनी सारी खुशियां इस महापुरुष के कहने पर बलिदान कर दी उन बच्चों को बचाने के लिए। तो ऐसे महापुरुष का तो सत्कार होना ही चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिसकी कथनी और करनी में उतना ही फर्क है जितना उजाले और अंधेरे में होता है। आओ चकोर, पहनाओ पुष्पमालाएं। तू हमारे बेटे सूरज को आजाद कर दे, हम उन बच्चों को आजाद कर देंगे। सूरज को बताएगी ना, बच्चों का चेहरा दोबारा नहीं देख पाएगी। देखो कमल नारायण, आपका खेल खत्म हो चुका है। आप आज फिर से एक और बाजी हार गए। हमें ही हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, औकात में रहे। हमारे कानों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सूरज जो कह रहा है वो सच है। बोलिए कमल जी, सूरज जो कह रहा है वो झूठ है ना? निकल, निकल! अब तो नाटक से पर्दा उठ चुका, किताब खुल चुकी, और तुम लोग भी नहीं बदले हो ना, ना। तुम सभी हमारे बंधुआ थे, बंधुआ हो, तवसंत की बंधुआ रहोगे। नारायण राजवंशी से जीतेंगे ये। कमल, नारायण राजवंशी से आज तक कोई जीता नहीं है। कुछ ही पल में तुम लोगों के बच्चों की दुर्दशा तस्वीरों में देख।